हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशुतोष सेंगर एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ अपना पांचवा लेक्चर यूनिट सेकंड का लेके। और हम लोग बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहे थे, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की यानी सेकंड ईयर की। और काफ़ी तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं, 4 लेक्चर हो गए थे कल, 2 मैंने डाले थे, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, सारे लेक्चर्स लाइंस अवेलेबल हैं। और तेज़ी के साथ मैं आपका सिलेबस करा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम्स तो भाई सबको देना है, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। आज का जो हमारा टॉपिक है कन्फर्मेशनल एनालिसिस, और मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था कि ये यूनिट 2 पार्ट्स में बटी हुई है। पहला लेक्चर जब स्टार्ट किया था तब बताया था कि ये यूनिट 2 पार्ट्स में बटी हुई है। एक जो पहली वाली थी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे थी। स्टीरियो आइसोमर्स के 3 पार्ट होते हैं, वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल और कन्फर्मेशन। तो ऑप्टिकल पहली यूनिट थी और दूसरी यूनिट में जियोमेट्रिक और कन्फर्मेशन दोनों थे। ये बड़ी यूनिट थी थोड़ी सी पहली वाली से। और जियोमेट्रिक हमारा कल ख़त्म हो गया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और कन्फर्मेशनल हमारी ये इस वाले में लेके आया हूँ आप सभी के सामने। बहुत तेज़ी से हम लोग पढ़ रहे हैं और 4-5 लेक्चर और लगेंगे भैया, थोड़ा बड़ा है और मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा डीप में इजीली तो आसान नहीं होता। चलिए, तो डिफरेंट कन्फर्मेशनल होता क्या है, पहले तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया है, वो मेरे ओल्ड वाले लेक्चर में है, आप जाके वहाँ चेक करिए, वहाँ कॉन्फ़िगरेशन बताया हुआ डीएल वाले फर्स्ट यूनिट का है, सेकंड लास्ट लेक्चर या पांचवा या छठवा लेक्चर है, उसमें आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से समझिए। फिर बात आती है कन्फर्मेशन की, तो कन्फर्मेशन मैं यहाँ समझाऊँगा चूँकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं लोग, तो मैंने सोचा कि ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूँ। तो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल विच आर रेडली इंटर कन्वर्टेबल, मीन्स जो इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। आप इंटर कन्वर्ट मीन्स इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप सो रहे हैं मान लीजिए, तो सोने में क्या एक ही पोजीशन में लेटते हैं, लेटना हम लोग कैसे मानते हैं, ऐसी पोजीशन में जिसमें सिर जो है वो रखा हुआ है तकिए पे पीछे की तरफ से, और जो नाक और आँख है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ है, मीन्स आसमान की तरफ। और लेकिन क्या आप ऐसे लेटते हैं, नहीं लेटते हैं। आप कैसे लेटते हैं, टेढ़े उल्टे बहुत सारी पोजीशन में, जैसे आप स्टेबल लगता है वैसे कंपाउंड भी एक ही कहानी में नहीं रहता पूरी ज़िंदगी भर, वो भी चेंज करता रहता है अपने स्ट्रक्चर्स। तो उन स्ट्रक्चर्स जो चेंज करता है उन्हें बोलते हैं कन्फर्मर्स, और उनके एनालिसिस या उनकी स्टडी को बोलते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। फिर कन्फर्मेशन रिप्रेजेंट्स कन्फर्मर, मीन्स कन्फर्मर पहले बता दिया, विच आर रेडिली इंटर कन्वर्टेबल। फिर इंटर कन्वर्टेबल माने ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार टेढ़े हो जाते तो टेढ़े ही रहते हैं, नहीं, फिर आप सीधे खड़े हो जाते या सीधे लेट जाते फिर उल्टे लेट जाते, मीन्स इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, मीन्स ऐसा नहीं कर सकते कि आपको एक ही टेढ़े हो आप जब लेटे हैं तब उठा के अलग कर लें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर आप सीधे हो जाएंगे फिर बाकी की तरफ हो जाएंगे, तो मीन्स उन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मैं एक कहानी के थ्रू बता रहा हूँ और सारी चीज़ें मैं ट्रिक्स के साथ बहुत इजीली बताता हूँ, फार्मेसी को बहुत इजी कर रहे हैं हम लोग। और आज के लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कन्फर्मेशन से रिलेटेड, और बहुत सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन और 7 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, सारे के लिए आपकी बिल्कुल क्लियर करके जाऊँगा। तो द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कन्फर्मेशन इन मॉलिक्यूल एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल एनालिसिस। इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले ही मैंने ये सब बता दिया था। और इस लेक्चर की एक खासियत और है कि इसी से आप स्क्रीनशॉट खींच के आराम से नोट्स बना सकते हैं। अगर मेरा थोड़ा तेज़ हो रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं थोड़ा स्लो करने की कोशिश करूँगा, एक्चुअली मैं थोड़ा तेज़ ही रहता हूँ, स्पीड है चूँकि स्पीकर बोला जाता हूँ भाई मैं, तो स्पीकर जो होता है वो बहुत तेज़ और बहुत अच्छा बोल सकता है, मैं अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ बोल सकता हूँ। तो इतनी कहानी हो गई हमारी, नेक्स्ट चलते हैं कंटिन्यूस को। तो 4 तरह से इसके कन्फर्मर्स होते हैं, अब 4 नहीं 5 होते हैं और बहुत सारे होते हैं इन्फिनाइट, लेकिन 4-5 हमें जो है हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, या आप लोग भी आगे जाके साइंटिस्ट बनेंगे, आप अपनी थ्योरी देंगे फिर वो पढ़ाई जाएगी, या मैं भी हो सकता है आगे जाके कुछ बनूँ बहुत अच्छा, भगवान की आप जो भगवान आपको आशीर्वाद दे कि आप भी आगे जाएँ मैं भी जाऊँ, चूँकि भैया बड़ी दुनिया है फार्मेसी की, किसी को भी छोटा होना अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ 5 बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अब कुछ लोगों ने क्या किया, सिर्फ 2 बताए हैं, जो बहुत सारे YouTube वीडियोस मैंने खुद देखे हुए हैं, मैं खुद बहुत एक्टिव रहता हूँ कि फार्मेसी से रिलेटेड कौन कहाँ से आ रहा है। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि मैं इंटरेस्टेड लेता हूँ स्टडी को, तो वहाँ मैंने देखा हुआ है कि वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 बताए, स्टेगर्ड इक्लिप्स, तो भैया बाकी कहाँ से आए, 3,
वो सब मैं क्लियर करूँगा। फिर वो कन्फर्मर आए कहाँ से वो भी मैं क्लियर करूँगा, वो कैसे आए, कौन सी क्या प्रोजेक्शंस हैं, कैसे उनका एनर्जी डायग्राम बनता है, कैसे एनर्जेटिक्स होता है, क्या एनर्जी रहती है, क्या टॉर्जनल एंगल है, किस लिए ये घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, सब मैं क्लियर करूँगा। तो द स्ट्रक्चर ऑफ कन्फर्मर्स आर ऑफ फोर टाइप्स, चार तरह के, पहला स्टैगर्ड, दूसरा एक्लिप, तीसरा पार्शियल एक्लिप, चौथा पार्शियल स्टैगर्ड। मैंने पहले ही बोला है कि इससे ही आप नोट्स बना सकते हैं, इसलिए मैं बहुत स्टैंडर्ड और इजी लैंग्वेज में लिख के लाया हूँ, और कुछ मैं इजी लैंग्वेज में खुद भी समझाऊंगा, उसको भी आप लिखें। इसीलिए मैं नोट्स की बोलता हूँ, क्योंकि जो मैं यहाँ इजी लैंग्वेज में बोलता हूँ वो वहाँ नोट्स में लिखता भी हूँ, क्योंकि वो नोट्स मैं खुद बनाता हूँ। तो स्टैगर्ड जो होता है, जब टॉर्जनल एंगल बिटवीन टू एटम्स, मीन्स जो दो एटम्स हैं जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उन दोनों के बीच जब 60 डिग्री होगा एंगल, टॉर्जनल एंगल, तो स्टैगर्ड, मींस वो 60 डिग्री दूर होंगे एक दूसरे से, तो स्टैगर्ड। फिर एक्लिप्स्ड, तो जो है इंग्लिश की जो नॉलेज रखते होंगे अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले, या जिन्हें अच्छा याद रहता होगा, तो उन्हें एक्लिप्स का मतलब पता होगा कि छुपाना, एक दूसरे को छुपा रहा हो, मींस पहलवान लड़ रहे हैं तो वो किसी को भारी नहीं होने दे रहे, एक दूसरे को दबाए हुए हैं, कोई भी ज़्यादा ना दब रहा है, कोई ना ज़्यादा उठ रहा है, वही एक्लिप्स्ड। तो जब दो एक साथ आ जाएंगे तो वो एक दूसरे को छुपाने की कोशिश करेंगे। तो जब टॉर्जनल एंगल बिटवीन टू एटम्स इज ज़ीरो हो जाएगा तो एक्लिप्स्ड कंडीशन आ जाएगी। फिर पार्शियल एक्लिप्स्ड मींस ना वो स्टैगर्ड हो ना एक्लिप्स्ड हो, मींस मान लीजिए ज़ीरो ना हो लेकिन 5, 10, 15, 20 हो, तो उसको हम लोग पार्शियल एक्लिप्स मान लेंगे। फिर पार्शियल स्टैगर्ड हो, यही डेफिनेशन भी लिखी हुई है, यही मैं वर्ड्स में लिख के भी लाया हूँ, खुद ही बनाई है पार्शियल स्टैगर्ड और एक्लिप्स की। तो ये तो आप बड़े आराम से नोट्स बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझसे लेते हैं तो उसमें तो सब मिलेगा ही मिलेगा, आप जिस जिस टॉपिक के मांगेंगे सारे। फिर पार्शियल स्टैगर्ड, तो भैया मान लो 60 नहीं है, 55 है, 65 है, 70 है, 75 है, तो भी हम उसको मानेंगे स्टैगर्ड ही, लेकिन वो होगा पार्शियल, उसकी एनर्जी मान लीजिए थोड़ी बहुत नीचे ऊपर है बस भाई। कन्फर्मेशन एनालिसिस इन ईथेन, मेन टॉपिक हमारा ये, तो अभी तक कन्फर्मेशन एनालिसिस क्या होती, कैसे होती, बताया आपको। अब एनालिसिस इन ईथेन, जो बाकी यूट्यूबर्स हैं वो कई तो कन्फर्मेशन ही नहीं बता पा रहे, कई बता भी रहे हैं तो इतना अच्छे से नहीं बता रहे, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, मेरे नहीं हैं। तो भैया बढ़ाओ, थोड़े मोटिवेशन मुझे दो, तब तो मैं बनाऊँ कन्फर्मेशनल एनालिसिस इन ईथेन। तो ईथेन क्या होता है ये तो आपको पता है, 4 साल हो गए भैया, इतने में तो प्रवक्ता बन जाता है। हाँ एक मिनट रुकिएगा, सॉरी भैया थोड़ा सा काम रहता है मेरा भी। तो ईथेन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें दो कार्बन होते हैं सेंट्रल, और उनसे तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ये स्ट्रक्चर तो आपको पता है भैया, 4 साल में इतना केमिस्ट्री तो पढ़ ली है, बहुत आ गए हैं आगे, सेकेंड ख़त्म हो जाती है अगर रियल चल रहा होता सेमेस्टर, अभी तक तो एग्ज़ाम्स हो गए होते। तो अब थोड़ा सा मैं कहानियाँ कम बताऊँगा और पढ़ाऊँगा तेज़ी से, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे बुलावा भी आ गया है, और मेरे लिए रात और दिन नहीं होता, मुझे जब आ जाता है तो मुझे जाना पड़ता है, मजबूरी रहती है, थोड़ा काम भी रहता है। तो इन इनफिनाइट तो ये क्या करता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाता है, मींस आपने हाथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लिया वो अलग स्ट्रक्चर, सिर थोड़ा टेढ़ा कर दिया अलग स्ट्रक्चर, तो ऐसे ही वो कंपाउंड भी स्ट्रक्चर्स अलग अलग बनाता है, लेकिन वो होते हैं इनफिनाइट, उन्हें हम नहीं देख सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ 4-5 पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया 4 तो पढ़ा चुका हूँ, 5वां अभी आगे आ रहा है बताऊँगा वो भी। वो होता है एस्क्यू, तो एस्क्यू जो होता है वो पूरा कवर अप किए रहता है बहुत सारे आइसोमर्स को, या बहुत सारे कन्फर्मर्स को। तो इन ऑल दीज अरेंजमेंट्स कॉल्ड कन्फर्मेशन, मीन्स ये सारे कन्फर्मर्स और कन्फर्मेशन बोले जाते हैं। द बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ करेक्टरिस्टिक्स इन द ईथेन मॉलिक्यूल रिमेन सेम, मीन्स जैसे हाथ भैया आपने टेढ़ा किया तो हाथ की लंबाई नहीं बढ़ेगी, हाथ बॉडी से अटैच है तो वो एंगल नहीं बदलेगा, बस यही है। थोड़ा सा ऑडियो अगर क्लियर ना रहता हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं ये खिसकाता हूँ पीपीटी नीचे ऊपर तो उसमें थोड़ा सा आता है, लेकिन वो देखिए भैया इतना एडजस्ट मुझे भी करना पड़ता है, आप भी करिए। कंटिन्यू करते हैं इसे को, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरमीडिएट जो होते हैं बीच में, उन्हें हम स्क्यू कन्फर्मेशन बोलते हैं, पहले ही बता दिया मैंने। अब कौन सी पोजिशन में आप सबसे ज़्यादा सो सकते हैं या लेट सकते हैं, ऐसे ही उसकी भी है ईथेन की, कौन सी पोजीशन में वो सबसे ज़्यादा रहता है डोमिनेंट, दो नंबर में आ जाता है कभी कभी। तो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन इज नो डाउट रिप्रेजेंटेड, मीन्स बाकी सब होते हैं उनमें कोई डाउट नहीं है ना रखिएगा, बट द ईथेन मॉलिक्यूल स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, लेकिन ईथेन जो होता है वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में लगता है। फिर बॉन्ड में लिख के रखा हूँ मैं, तो ये दो नंबर के हिसाब से हो गया, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट होती है। अब डोमिनेट
होती है वो बता रहा हूँ आगे। और अगर आप सिर्फ परीक्षा के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से, तो इतना काफ़ी हो गया। ये डीपली है थोड़ा सा, जो आगे कुछ करना चाहते हैं, एमफॉर्म या आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए, या जो सरकारी एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं। इथेन मॉलिक्यूल हैज़ 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स अटैच टू द सेंट्रल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मैंने पहले ही बताया क्या होता है। इन द स्टेगर्ड कन्फर्मेशन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बेंजीन में भी आपने पढ़ा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो बनता है व्हेन द स्टेगर्ड, तो वो क्या होता है, दूर दूर होता है, फिर इक्लिप्स में क्या होता है, पास पास आ जाता है। बस इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो कंपाउंड नहीं आ पाता, मीन्स पहलवान नहीं आ पाता, पहलवान आ गया तो बैंड बजा देगा वो। देयर वुड बी मैक्सिमम रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, तो जब पास पास होंगे तब ज़्यादा लड़ाई होगी, यानी एक जगह पे होंगे तो इक्लिप्स के में ज़्यादा लड़ाई होती है, ज़्यादा लड़ाई होती है तो क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जैसे मान लीजिए घर में मियाँ बीवी हैं, दोनों बहुत लड़ने वाले हैं, या भाई भाई हैं बहुत लड़ने वाले हैं, तो वो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। हो सकता है उनका मकान भी बिक जाए, फिर उन्हें बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ें, तो अब बाकी के कंपेरिज़न में वो कम जो हैं समृद्ध हो पाएंगे। जैसे हम इसमें भी कंपैरिजन ही कर रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी लो होती है इक्लिप्स की, और इसका जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पास पास होते हैं, इन कंपैरिजन ऑफ स्क्यू एंड स्टेगर्ड। फिर सो द स्टेगर्ड कन्फर्मेशन विल हैव लीस्ट एनर्जी एंड हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी, क्योंकि पहले ही बता दिया डोमिनेंट रहता, इसका मतलब कि उसके पास एनर्जी सबसे कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तब तो डोमिनेंट रहेगा भाई। जिस पोजीशन में आप लेट कर अच्छे सो सकते हैं, वही पोजीशन तो आपके लिए अच्छा होगा भाई। सोने का इसलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ 3-4 दिन से, तबीयत थोड़ी ख़राब है और काम भी रहता है। फिर दिस रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विच अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ कन्फर्मेशन इज नोन एज टॉर्जनल स्ट्रेन। अभी पीछे टॉर्जनल एंगल आया था तो वहाँ मन में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो भाई अच्छे से पढ़िए, आएगा, क्योंकि साइंस में क्यों आना बहुत ज़रूरी है। तो जब रिपल्सिव इंट्रैक्शन जो होता है या जो भी होता है, ये सब ये होता है टॉर्जनल स्ट्रेन की वजह से, मीन्स वो पहलवान ने मुक्का मारा दूसरे पहलवान में। ये सिर्फ एक कहानी बता रहा हूँ जिससे कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद रहे, तो उसका दांत टूट गया, ठीक है भाई, तो स्ट्रेन आ गया। द स्टेगर्ड कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल ड्यू टू द टॉर्जनल स्ट्रेन, स्टेगर्ड की सबसे कम होती है, मीन्स उसमें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी, तो वो मोस्ट स्टेबल है और आराम से रह रहा है। दांत टूट जाएगा तो खून निकलेगा, दर्द होगा, खाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसको नहीं होगी चूँकि उसने एनर्जी नहीं बढ़ाई, उसने लड़ाई नहीं की, वो अच्छा होशियार बच्चा था आपकी तरह। ड्यू टू टॉर्जनल स्ट्रेन सर्टेन एनर्जी कॉल्ड टॉर्जनल एनर्जी, जो टॉर्जनल स्ट्रेन की वजह से जो एनर्जी आती है वो, मतलब आप पहलवान को मुक्का मारा, उसे गुस्सा आया तो फिर एनर्जी आ गई, वो टॉर्जनल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परमिट, तो ये जो है परमिट करती है रोटेशन के लिए, माने उस पहलवान को और लड़ाई के लिए ये परमिट करती है। तो वही यहाँ भी कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसके घुमाने के लिए ये परमिट करती है। एनर्जी ट्रांसफर से आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये चीज़ें ज़्यादा देखता है एग्जामिनर। और ये जो मैंने यहाँ बताया, ये चीज़ आप हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझ जैसा अगर एग्ज़ामिनर कोई बैठा होगा या कोई होशियार अच्छा इंटेलिजेंट बैठा होगा तो वो ये चीज़ें देखता है, क्योंकि बाकी सब तो सब ईजी है, स्ट्रक्चर्स कोई भी बना देता है 60-60 घुमा घुमा के। फिर द स्टेगर्ड कन्फर्मेशन हैज़ मिनिमम एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, पहले ही बता दी मैंने। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस इज 12.5 किलो जूल पर मोल, ये इसकी एनर्जी होती है जो मैं लिख के लाया हूँ, और ये 2 मार्क्स में कभी कभी कई बार आ चुकी है। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट द एनर्जी बैरियर टू रोटेट अबाउट द कार्बन कार्बन बॉन्ड, और यही बैरियर भी होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करने के लिए। फिर ये मैंने देखी एनर्जी चेंज ड्यूरिंग कन्फर्मेशन ऑफ इथेंस या एनर्जेटिक्स का डायग्राम बनाया हुआ है, ये ज़रूर बनाना एग्ज़ाम में अगर आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, और बाकी अगर मुझसे लेते हैं तो बहुत बढ़िया। प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मेशन, अब कैसे आए ये स्ट्रक्चर्स ये बताना ज़रूरी है, बाकी यूट्यूबर्स ने ये नहीं बताया हुआ है, इसीलिए मैं कि जो है थोड़ा सा कह रहा था कि उनके सब्सक्राइबर्स पढ़ाए ना, उनके वीडियोस कम देखें, क्योंकि वो गलतियां कर रहे हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं, लेकिन भैया कहानी पूरी पढ़ाओ, आधी ने आधा नॉलेज प्रॉब्लम देती है। जैसे मुहावरा भी है, अध चल गगरी छल कच जाए, जो हमारे हिंदी में है, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उन्हें अच्छे समझ में आया होगा, इंग्लिश वालों को नहीं आया होगा। इट इज़ नॉट वेरी कॉन्वीनियंट टू डिपिक्ट 3 डायमेंशन, अब भैया आप लेटे हैं तो क्या उसे 3D है वो, क्या उसे ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पर? नहीं। तो जो 2 स्टाइल्स और मेथड्स हैं उसे ड्रॉ करने के लिए, जैसे मैंने एक आपको वहाँ भी बताया था, फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट स्टेप, अगर मेरे साथ पढ़ते हैं तो याद होगा, मैंने अच्छे से बताया था वो ट्रिक के साथ।
न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉहार्स प्रोजेक्शन, ये दो तरीके हैं, या सॉहार्स रिप्रेजेंटेशन, इनकी मदद से हम लोग ड्रॉ करते हैं अपने पेपर पे। तो हेयर द मॉलिक्यूल इज वेव्ड फ्रॉम द फ्रंट, मींस हम लोग सामने से देखते हैं, आप लेटे हैं तो सिर की तरफ से देख रहे हैं, मान ली तो सिर आपका दिख रहा है, पैर छुपका है, तो जो सिर दिख रहा है उसको हम लोग पॉइंट से दिखाते हैं, सिर वाले कार्बन जो हमें आँख के पास है, और जो आँख के दूर है उसको राउंड से दिखाते हैं, और फिर वहाँ से तीन लाइन दिखाते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे, चूँकि कार्बन से तीन बॉन्ड अटैच होते हैं, तीन लाइन है, कार्बन की चार वैलेंसी है, एक तो वो अटैच ऑलरेडी एक दूसरे से हैं, वो तो कॉमन है, तो बस तीन बॉन्ड दिखाते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी सेल्सियस नहीं, सेल्सियस टेम्परेचर होता है, एक तो मैं थोड़ा सा कोकनोसी में भी लगा हुआ हूँ और भी चीज़ें देखता रहता हूँ, इसलिए वो सेल्सियस मुँह से निकल गया गलती से, भाई सॉरी मैं भी इंसान ही हूँ, तो 120 डिग्री पे होते हैं वो एक दूसरे से, तो उनका ये चीज़ें देख लीजिएगा आप। और ये कैसे आया कन्फर्मेशन, ये मैं बता रहा हूँ, और अगर दो नंबर चार नंबर में आ गया मेरे जैसे किसी ने एग्ज़ाम पेपर सेट किया तो भैया ये भी आएगा और ये भी लिखना पड़ेगा। फिर डिपिक्ट्स द न्यूमैन प्रोजेक्शन, अब पूरे यूट्यूबर्स ने ये ऐसे ही बना दिए थे, नहीं बताया था कैसे आया, स्पेशली कुछ हैं सिलेक्टेड जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मुझे जलन नहीं हो रही भैया, मैं जल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप प्लीज़ आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, मैं तो बंद कर दूंगा चैनल कल के दिन, मेरे बहुत काम रहता है। अब मैंने बना के लाया डिपिक्स द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन, वही मैंने दिखाया कि जो दिख रहा है उसको पॉइंट से, जो नहीं दिख रहा उसको राउंड से, स्टेगर्ड एक्लिप्स दोनों दिखा दिए। फिर सॉहार्स प्रोजेक्शन दूसरा प्रोजेक्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और सिर्फ इतना याद रखिएगा कि दो नंबर में आ गया तो लिखना है बस। हेयर द मॉलिक्यूल इज वेव फ्रॉम अबव एंड फ्रॉम द राइट, अब हम देखते हैं ड्रोन वाली कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन से। इन दिस प्रोजेक्शन द सेंट्रल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन, जो सेंट्रल बॉन्ड का कार्बन होता है, सेंट्रल कार्बन बॉन्ड होता है, वो थोड़ा लंबा बनाते हैं और उसको टिल्ट कर देते हैं राइट साइड की ओर, मीन्स एक जो रेयर कार्बन होता है वो हमारे फ्रंट पे रहता है वो राइट पे रहता है, दूसरा लेफ्ट पे रहता है, लेफ्ट वाले को नीचे थोड़ा दिखा देते हैं, राइट वाले को ऊपर, बस वही, क्योंकि हम बॉन्ड घुमाएंगे तो वो थोड़ा सा अपने आप ही हो जाएगा, लिखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक का है। ईच कार्बन हैज़ थ्री लाइन्स अटैच टू इट, तीन लाइन्स होती हैं पहले बताया, तो ये तीन एटम्स और ग्रुप से जुड़ी रहती हैं, एंड दीज लाइन्स एट एंगल ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी भैया माफ़ करो दादा, तो ये 120 डिग्री पे होती हैं जो पिछले वाले की थी। तो सॉहार्स का ये देखिए बॉल एंड स्टिक मॉडल वाली कहानी है, मैंने दिखाया दो कार्बन, एक लंबी लाइन है, कार्बन की बॉन्ड है, उससे तीन हाइड्रोजन है, एक्लिप्स स्टेगर्ड, एक्लिप्स वाला एक हाइड्रोजन दूसरे को छुपा रहा है, दूसरे में नहीं छुपा रहा, दूर दूर है, एनर्जी स्टेबल है, बस कहानी देखते जाइए आगे बढ़ते जाइए। कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, फिर वही वापस आ गए, तो इन द स्पेशल अरेंजमेंट व्हेन बॉन्ड इज़ रोटेटेड, हम बॉन्ड इसमें कन्फर्मर्स बनाते कैसे हैं, तो बनाते ऐसे हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस पर घुमाते जाएंगे, इसलिए मैं बार बार सेल्सियस बोल रहा था भैया वहाँ, लेकिन वहाँ मत लिखिएगा यहाँ लिखिएगा। 60 डिग्री सेल्सियस घुमाया, फिर से वो तक पहुँच गया 60 डिग्री घूम के, फिर इस तरह से घुमा घुमा के छह तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिनमें तीन स्टेगर्ड और तीन इक्लिप्स, इसमें बाकी जो होते हैं दो पार्शियल वाले वो नहीं बनते, वो आगे अगले दोनों बनेंगे। देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, यहाँ मैंने जो है कलरफुल बना हुआ है, आप एग्ज़ाम में ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा, तो एक को ब्लू से एक को ब्लैक से बनाइएगा और आराम से रोटेट कर करके स्ट्रक्चर्स बना दीजिएगा, स्पेशली पॉइंट वाले को ब्लैक से बनाइएगा और पीछे वाले को ब्लू से, क्योंकि पीछे वाला जो होता है उसको मैं ऐसे दिखाना होता कि वो कम प्रायोरिटी पे है और आगे वाला ज़्यादा, तो ब्लैक ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा डार्क होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आराम से बनाइए। जैसे पहले मैंने घुमाया तो ये ब्लू वाला कार्बन 60 डिग्री घूम के आ गया इक्लिप्स फॉर्म में, फिर घुमाया फिर 60 फिर स्टेगर्ड फिर 60 फिर इक्लिप्स फिर 60 फिर स्टेगर्ड फिर 60 फिर स्टेगर्ड, बस इतनी कहानी है। इसे आराम से खुद से ड्रॉ करिएगा, नोट्स भी लेते हैं तब भी ड्रॉ करिए, क्योंकि इसे तीन चार बार ड्रॉ करेंगे तभी याद होगा। एट लास्ट थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, बड़ा वीडियो बनाया मैंने, 20 मिनट के समथिंग होने वाला है, और एक जो है ये 30 मिनट 35 मिनट भी जा रहा था, लेकिन बहुत स्लो कर लिया मैंने, थोड़ा तेज़ी से बताया। थैंक यू, कमेंट करिए अगर नोट्स ऐप को चाहिए बी फॉर्म के तो, और कमेंट करिए कोई क्वेरी है तो, सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं लेक्चर्स डालता रहता हूँ, शेयर करिए थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले, व्यूअर्स बढ़ें सब्सक्राइबर्स बढ़ें, और सुरक्षित रहें घर में रहें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक में कुछ नहीं लगता भाई, पैसे नहीं लेता हूँ मैं, पैसे आपके कॉलेज वाले लेते हैं 1.25 लाख, मुझे कुछ नहीं मिलता, मुझे बस मोटिवेशन मिलता है और तसल्ली कि हाँ मुझे नॉलेज है तो मैं दूसरों को दे रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, डीपली भी समझाया, ये ईजी है लेकिन डीपली इसलिए समझाया क्योंकि ये आपके आगे काम आ सके,
और जो अच्छे बच्चे हों वो डीपली ही पढ़ें। ठीक है, इतनी कहानी मैं बताई आपको, आप अपने नोट्स के हिसाब से बनाइए, अपने हिसाब से आप कितना कर सकते हैं उतना आप यहाँ से, लेकिन ज़्यादा मत कटर कुटी नहीं करिएगा, बस देख लीजिएगा अपना नोट्स बना लीजिएगा। अगर मुझसे लेते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, और आराम से लिख के पढ़िए और बहुत अच्छे मार्क्स लाइए, जीवन में बहुत आगे जाइए। थैंक यू सो मच, आपकी कहानी ख़त्म, लेक्चर बड़ा हो गया, अब नहीं बना रहा हूँ मैं दूसरा, आप कल देखते हैं, PPT भी नहीं है मेरे पास। थैंक यू।